किचन 123 में आज बन रही है गोश्त से हटकर एक बिरयानी, और वो है काले चनों की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और जैसे ही बनाई जाए दिल जाता है फटाफट खा ली जाए। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है पहले वो बताती हूँ, फिर आपके साथ मिलकर पकाती हूँ। काले चनों की बिरयानी बनाने के लिए एक चाय के कप को मैंने भरा काले चनों से, और ये देखिए भीगने के बाद ऐसे हो गए। इसके अंदर मैंने एक चाय का चम्मच लेवल करके मीठा सोडा डाला और इसको रात भर के लिए भिगोया है। अगर आपके पास वक्त कम हो तो फिर आप ऐसा करें कि 2-3 कप पानी गर्म करें, उबलता हुआ पानी इनके अंदर डालें काले चनों के अंदर, ये जल्दी से नर्म हो जाएंगे और 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए इनको भिगोना भी काफ़ी रहेगा। इनका छिलका सफ़ेद चने के मुकाबले में ज़रा सख्त होता है तो इसलिए भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तो ख़ास तौर पे भिगोना ज़रूरी है। तो ये देखें फूल के काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ये 1 कप से काफ़ी ज़्यादा इनकी मकदार जो है वो बढ़ गई है, और ये उबालने के लिए बिल्कुल सही है, तैयार हैं। और 2 कप मैं इसमें चावल इस्तेमाल करूँगी। अभी इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि आधा घंटा के लिए हमने इसको भिगोना है। तो रेसिपी के दौरान ही मैं आपको बताऊँगी कि कब हम चावलों को भिगोएंगे। 3/4 कप तेल जिसमें हम इस रेसिपी को बनाएंगे। प्याज और टमाटर की मकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, 3 प्याज लेके उसके मैंने इस तरह से स्लाइसेस काट लिए, जैसे स्लाइस आप सालन में काट के इस्तेमाल करते हैं। और ये है 3 टमाटर बड़े साइज़ के लेके, उनको इस तरह से छोटे पीसेस में काटा हुआ है। ये साबुत हरी मिर्चें हैं, 4-5 हरी मिर्चें ले लें, साबुत भी हम डालेंगे और पेस्ट भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के। और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 कप ताज़ा दही है जिसको मैंने फेंटा हुआ है। और ये 5-6 आलू बुखारे हैं, ये 1 खाने का चम्मच है हरी मिर्च का पेस्ट। कैसे पेस्ट बनाया कि हरी मिर्चों को लेके उसके बीज निकाल दिए और उसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंडर के अंदर घुमाया तो इस तरह से पेस्ट बन गया। काफ़ी सारा पेस्ट बनाया था, उसमें से मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। एक दफ़ा आप बना लें तो फिर सारे खानों में आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको मसालों के अलावा की चीज़ें बताई, लेकिन अब बताती हूँ मसाले कौन से हैं। तो 1 चाय का चम्मच है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 चाय का चम्मच है हल्दी का, 1 चाय का चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, नमक भी हम इस्तेमाल करेंगे जो कि साथ रखा हुआ है, चावल उबालने के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे, और जब चनों को हम पका रहे होंगे गला रहे होंगे प्रेशर कुकर में उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो साबुत मसाले मौजूद हैं ये अलहदा से इसलिए रखे हुए हैं कि इनको मैंने पहले भूनना है फ्राई पैन के अंदर और बगैर कोई घी तेल डाले, और उसके बाद इनको मैंने पीस के पाउडर बना लेना है। तो कौन कौन से हैं, 5 मेरे पास साबुत गोल मिर्च है, 4 लौंग है, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े लेके उसको मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, और ये है जायफल और जावित्री। इसकी मकदार आप देख लें कि जब हम इसको पीसेंगे तो तकरीबन 1/2 चाय के चम्मच के बराबर बनेगी। और यहाँ पर मौजूद है 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, इसके दानों को हम पीसेंगे, 2 बादियान के फूल है, और ये मेरे पास 6-7 तेज़पात है। इनमें से कुछ जो है वो उबलते पानी के अंदर मैं डालूंगी और कुछ को मैं पाउडर करने के लिए इसी मसाले के साथ पीस लूँगी। तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो ये करते हैं कि इन चनों का काम निपटाएं, इनको प्रेशर कुकर में डाल के गलाती हूँ, फिर कुछ और सोचेंगे कि क्या करना है। सोडे वाले पानी में मैंने काले चनों को भिगोया हुआ था, वो पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, इनको साफ़ कर लिया, एक दफ़ा साफ पानी से मैंने इनको धो लिया है। और प्रेशर कुकर के अंदर पकाने के लिए 5 कप पानी मैंने इसमें डाला हुआ है। ये धुले हुए सोडे के बगैर वाले काले चने हैं, ये इसमें डाल दिए, और 1 चाय का चम्मच इसमें मुझे नमक डालना है। नमक बहुत ही ज़रूरी, फ्लैट करके, ये देखें भर भर के नहीं डालना, इतना डालना है वरना तेज़ हो जाएगा, बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं जब इसका सालन तैयार करेंगे, तो फिर हम नमक को चेक कर लेंगे, उसके हिसाब से मज़ीद ऐड कर लेंगे। और आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको पकाती हूँ, कितने टाइम में गला वो भी आपको बताऊँगी। फ्राई पैन के अंदर ये साबुत मसाले जो अभी मैंने आपको बताए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल जावित्री, दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल, साबुत गोल मिर्च, ज़ीरा भी नहीं मैंने डाला, ये प्याली अलहदा से रखी हुई है, 3 पत्ते करी के, करी पत्ता जिसमें डाल दिए, और ज़रा आराम फरमाए ज़ीरा, उसको बाद में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी से क्रैकल होने लगता है,
आंच हल्की रखी हुई है, हल्की आंच पर ही मैं इसको भूनूंगी। बड़ी अच्छी से इसमें खुशबू आती है और इस तरह से जब हम इसका गरम मसाला बनाएंगे तो उससे हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही फ्लेवरफुल भी होगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने यहाँ पे थोड़ा पेशेंस से काम लेना है और जल्दी का मुजाहरा नहीं करना, आराम से हल्की आंच पे इसको बस चंद मिनट के लिए भूनना है, कुछ इसमें ऐड नहीं करना। ऐसे ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो गई है। पत्ते निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ब्राउन हो गए हैं, ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने इनको, बस इतना ही करना काफ़ी है। अच्छी खुशबू आ गई है और बस इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और अब बारी आई ज़ीरे की, ज़ीरे को भी हल्का सा भूनना है। ये देखिए ये तो फौरन ही चटकना शुरू हो जाता है। देखें कैसी साउंड आई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसको भी निकाल दिया इस प्लेट में। अब हमने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना है तो इसके थोड़े से ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब हम ग्राइंडर में पीसते हैं तो वो मशीन चलने से भी ये गर्म होता है, तो अगर गर्म कोई पीस लेंगे तो फिर वो जल सा जाएगा और एक टेस्ट जो है वो उसका ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर पीसती हूँ। जो मसाला हमने भूना था वो ठंडा हो चुका है और ये जो इलायची है इसके बीज मैंने निकाल दिए, छोटी इलायची के भी और इसी तरह बड़ी इलायची के भी। अब इलायची के जो छिलके हैं इसको मैं चावल उबालते हुए पानी के अंदर डालूंगी ताकि उसमें भी खुशबू आ जाए। इसको एक तरफ रख देती हूँ और बाकी के जो मसाले हैं उन सबको तोड़ के छोटा छोटा कर रही हूँ। ये देखें जैसे ये करी पत्ते थे इसको भी मैंने इस तरह तोड़ के छोटा कर दिया ताकि बारीक सा पिस जाए। और ये बादियान का फूल है, इसके भी ये पूरे फूल को इस तरह से तोड़ देंगे ताकि ग्राइंडर में खूब बारीक सा पिसे, क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार तो है नहीं, कम मिकदार है तो ज़रा इस तरह से आसानी रहेगी। जायफल जावित्री को भी इसी तरह मैं कैंची की मदद से छोटा छोटा काट रही हूँ, चाहे हाथ से तोड़ लें। इलायची के बीज निकाल लिए और भुनने के बाद ये काफ़ी क्रिस्प से हो जाते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं। ये दालचीनी के टुकड़े हैं, इसको ऐसे हाथ से तोड़ती हूँ, कैंची से नहीं कटेंगे। ये साबुत गोल मिर्च है, अब इसको मैं ग्राइंडर में पीसती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चने प्रेशर कुकर में डाल के मैंने उबाले हैं, 10 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से गल गए हैं, खा के देखती हूँ। क्योंकि काले चने का छिलका है जो वो निस्बतन सख्त होता है, लेकिन ये भी गल गया है, यही मुझे देखना था। और काले चने सफ़ेद चने कुछ भी पकाते हुए आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उसके अंदर अजीब सी आवाज़ ना आने लगे, क्योंकि बाज़ूकात ऐसा होता है कि जो प्रेशर कुकर में जहाँ से स्टीम निकलनी होती है उसके आगे इसका छिलका आ जाता है, उसको बंद कर देता है और ये बड़ा ख़तरनाक होता है, प्रेशर कुकर फट भी सकता है। तो उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें, अगर अजीब सी आवाज़ आने लगे तो फिर आप उसको बंद कर दें। मैंने भी ऐसा ही किया, 5 मिनट बाद अजीब सी आवाज़ आ रही थी तो जब मैंने उसको स्टीम निकालने के बाद खोल के देखा तो उसके आगे इसी तरह से छिलका था। तो बहरहाल शुक्र है बचत हो गई। और ये मैंने उबाल लिए, इस प्याले के अंदर मौजूद है, पानी इसका मैंने अलहदा कर दिया, पानी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो मसाले हमने पैन के अंदर ड्राई रोस्ट किए थे उसका ये मैंने पाउडर बना लिया, बेहतरीन पाउडर बना, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाया है और इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत आला किस्म की खुशबू आ रही है। और अब ये करते हैं कि हम पकाना स्टार्ट करते हैं चनों का मसाला। 3/4 कप तेल डेगची के अंदर मैं डाल रही हूँ, प्याज के स्लाइसेस, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर डालती हूँ। प्याज को मैंने इतना ब्राउन कर लिया है और अब इस वक्त मैं चावल को भिगोने लगी हूँ ताकि आधे घंटे के लिए भीग जाए। धो के भिगोती हूँ, इसमें पानी डाल दिया मैंने। अब ये ब्राउन प्याज के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसमें ज़ीरा चला गया, साबुत ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, ये हरी मिर्च का पेस्ट,
जो मसाला हमने पाउडर फॉर्म में पीसा था वो, कटे हुए टमाटर, इसके अंदर ये चने ऐड कर दें उबले हुए, और इस मसाले में 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक का भी जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर लें कि आपके टेस्ट के हिसाब से कितना बनता है। मैंने 1.5 चाय का चम्मच डाला है। अब आंच को मैं थोड़ा हल्का कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें फेटा हुआ दही ऐड करना है। अब दही मिक्स हो गया तो आंच को थोड़ा तेज़ कर देती हूँ, दरमियानी आंच कर दिया मैंने, और उबले चनों को मसाले के साथ भून रही हूँ। अब ये मसाला भुनने के करीब है और इसकी पहचान ये है कि ऑयल जो है वो साइडों पे आ रहा है। अगर मैं इसको ज़रा देर के लिए भी छोड़ूंगी तो ये इस तरह ऊपर ऊपर आ जाएगा। अब आंच हल्की करके इसको ढक्कन लगा के मैं दूसरे चूल्हे पे इसको रख देती हूँ जितनी देर हम चावल उबालते हैं। छोटी इलायची, इसमें से मैंने दाने निकाल लिए थे, उसके छिलके मैं डाल रही हूँ इस पानी में खुशबू के लिए। तेज़पात के 3-4 पत्ते बचा लिए थे, वो भी इस पानी के अंदर डाल रहे हैं। और अब बारी आती है नमक डालने की। नमक हम ज़्यादा डालेंगे और इसी को चखेंगे। खुशबूदार पानी के अंदर उबाल आ रहे हैं और ये भीगे हुए चावल, आधा घंटे भिगोए थे मैंने चावल, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसको हमने 80% पकाना है, यानी थोड़ी सी कमी रह जाए और ज़्यादातर चावल पक जाए, तो इसके बाद हम काले चनों की बिरयानी को दम देंगे। देखिए चावलों की ये कंडीशन है, ज़्यादातर ये पक चुके हैं, बिल्कुल मामूली सी इनमें सख्ती है। इसको फ़ौरन से इसका मैंने पानी निकाल देना है और इसके बाद इनको दम पे रखना है। अब ये गरम गरम सालन है काले चने का, जिसके अंदर ये आलू बुखारे इस तरह से बखेर के डाल रही हूँ, और उबले हुए चावल मैं ले आई हूँ, दो हरी मिर्चें इसके अंदर, और ये रहे उबले हुए चावल जिसकी तह मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ, करी पत्ते और इलायची के जो छिलके थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए हैं, एक रह गया इलायची का दाना वो भी निकाल देती हूँ। हल्की आंच मैंने जलाई हुई है ताकि चावल और सालन ठंडे ना हो जितनी देर में मैं इसकी तह लगा रही हूँ। इसको इस तरह से फ्लैट कर रही हूँ। ये हरी मिर्चें जो दम में नरम हो जाएंगी, चाहे तो आप इसमें कट भी लगा सकते हैं। येलो फूड कलर है, जर्दे का रंग, पीले रंग का, आधा चाय का चम्मच ये मैं ले रही हूँ। ये देखिए ऐसा पीला रंग बना है इसका, थोड़ा थोड़ा ये डाल रही हूँ। और ये ऑरेंज रंग का फूड कलर है, ये ऐसे लिक्विड की शक्ल में मेरे पास है, ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जिससे एक थोड़ा ब्राइट शेड आएगा। बस इतना ही काफ़ी है, चौथाई चम्मच के बराबर मैंने ऐड किया है इसमें। आंच को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि स्टीम बन जाए। पहले जब देगची खुली हुई थी तो उसमें से चूल्हा जलने के बावजूद भी स्टीम बाहर निकल रही थी जब मैं लेयर्स लगा रही थी, तो अब मैंने ढक्कन इसका बंद कर दिया है और अभी स्टीम थोड़ी सी और बन जाए 1-2 मिनट में ही, तो फिर मैं इसके नीचे तवा रख के दम पे रखूंगी बिरयानी को। अपनी इस वेजिटेरियन बिरयानी को मैंने 15 मिनट का दम लगाया है और उसके बाद भी 5 मिनट इसी तरह से इसको छोड़ दिया। और अब खोलते हैं। वाओ, प्लेटर में निकालती हूँ और दिखाती हूँ। काले चने की बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, गर्मा गर्म है, धुएं उठ रहे हैं, जी चाह रहा है अभी खा लूं। साथ मैंने शामी कबाब फ्राई किए हैं, ये सैलड बनाया है बिल्कुल छोटा छोटा, प्याज टमाटर और खीरे को काट के, और ये है पुदीने का रायता। बनाएं और एंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसे बने। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।